जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। मैं इस चीज़ को अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मैंने सोचा कि बहुत लोग, हो सकता है कि बहुत लोग के दिमाग में ये, अब कोई तो देखने जा नहीं रहा कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं आपको आज एक जो वीडियो है स्पेशली, वो मैं जो मेरे साथ पिछले 2 साल में हुआ या अभी हो रहा है उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग ये देख लेंगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग मेरे स्टेशन के ब्लॉग्स को भी देखना चालू कर देंगे। आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरे एक प्लांट है श्री बजरंग एग्रो फूड एंड बेवरेजेस का, वहाँ पर मेरी जॉब थी एज अ प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की। आप विश्वास नहीं करेंगे इस चीज़ का। वो जॉब जब लॉकडाउन लगा, जब से वो मेरी जॉब गई तब से मेरी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सही रही नहीं, और लॉकडाउन हटने के बाद मुझे कहीं भी ढंग का काम मिला नहीं। फिर भी मैंने स्ट्रगल करके, हिम्मत करके अपना घर चलाया। इसके बाद मेरे फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स को छोड़कर, नाम मैं उनके नहीं बता पाऊंगा, कॉन्फिडेंशियल है वो सारा चीज़, मैं कॉन्फिडेंशियल रखूँगा। मेरे फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उसमें से कुछ मेंबर्स को छोड़कर बाकी मेरे जितने फैमिली के मेंबर्स हैं वो मुझे कभी सपोर्ट नहीं किए और आज भी नहीं कर रहे हैं। जो दो दो कोविड लॉकडाउन मैंने सरवाइव किया है वो मैंने कैसे किया है वो मैं ही जानता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज की डेट में अगर आप बोलेंगे ना कि 8,000, 10,000, 12,000 की सैलरी में आप अपना घर चला सको इतनी महंगाई में, वो भी किराए के रूम में रहते हुए, वो भी उस रूम में जिसका रेंट ऑलरेडी तकरीबन 4,000 पहुंच चुका है। मैं 2 साल से इस रूम में रह रहा हूँ, अब जाके ये रूम का जो रेंट है वो 4,000 हो गया, प्लस बिजली बिल अलग जो आता है वो मैं देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद यही कर रहा हूँ मैं कि मेरे स्टेशन के जितने भी व्लॉग्स हैं वो आप देखिए, पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस, आप उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुँचते रहें। और जहाँ पर भी अभी तक मैं गया हूँ ना व्लॉग शूट करने, चाहे वो नागपुर का हो गया डबल डायमंड क्रॉसिंग, या फिर राउल किला का हो गया, या फिर आपका डोंगरगढ़ का हो गया, बिलासपुर का हो गया, और अभी हाल फिलहाल में आज ही मैंने अपलोड किया चकरदरपुर का, तो उसके लिए ट्रैवलिंग करने के लिए मुझे प्लानिंग करना पड़ता है और मुझे अपने पॉकेट बजट को भी देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ को ध्यान में रखकर ही मैं कहीं ब्लॉग शूट करने के लिए जाता हूँ। इमरजेंसी में अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मैं कैसे ट्रैवल करके, बाय रोड वगैरह कैसे भी करके मैं जाता हूँ उस जगह पे शूट करने, इस चीज़ को मैं ही समझता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझते होंगे मेरे किस लेवल का मेहनत है। आपने राहुल किला के व्लॉग में साफ साफ वो चीज़ को देखा ही होगा, हाथ पैर को जमा देने वाला, जो कश्मीर में जो ठंड पड़ती है ना वैसे टाइप का ठंड है अभी रायगढ़ के बाद राहुल किला में, उस टाइप की ठंड में, उस उतने कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी उस दिन शायद, मुझे जहाँ तक आइडिया है, तकरीबन कुछ 18 की 17 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर रहा होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, रात में, क्योंकि राहुल किला जो स्टेशन है ना वो स्टेशन के जस्ट बगल में ही पहाड़ है और उस पहाड़ पे माता रानी का मंदिर है। इस वजह से भी वहाँ का जो ठंड है उस दिन बहुत ज़्यादा था। आपने वो व्लॉग देखा ही होगा, अगर देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि मेरा मेहनत अभी किस लेवल का है। तो आप लोग के बिना सपोर्ट के तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा, सीधी सी बात है। जो आज मेरे जो चैनल है वो मेरे सब्सक्राइबर के दम पे ही है। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि जो मेरे आप स्टेशन के व्लॉग्स को देखते हैं ना तो उसको बिना स्किप किए हुए देखिए, 10 सेकेंड भी उसको भगाइए मत। उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए ज़रूर रहेगी, चाहे वो आपके ट्रैवलिंग से जुड़ी हो, या उस स्टेशन पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी है उसको लेके हो, या फिर और किसी चीज़ का।
बहुत बहुत मैं 2 साल तक, जहाँ तक मैं अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, 2 साल मैंने कैसे स्ट्रगल किया और अभी भी कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग को लगता होगा कि मैं किसी डिवाइस से शूट करके डालता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं लाइव लोकेशन पे जाके शूट करता हूँ। और जो ये जो मेरा मोबाइल है ना, रेडमी गो है, ये 2.5 साल पुराना है, इसके बाद भी मैं इससे शूट करके वीडियो अपलोड करता हूँ। ट्रेन स्पॉटिंग के वीडियो जो मैं शूट करके डाला है ना मैंने 3 4 दिन पहले, उसमें भी मुझे बहुत मेहनत लगी। और वो उस ट्रेन स्पॉटिंग के वीडियो को शूट करने के लिए जिस लोकेशन पर मैं गया था, तो आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे खाने पीने की कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, प्लस वहाँ पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे जगह पे जाके मैंने वो ब्लॉग, मतलब वो ट्रेन स्पॉटिंग के वीडियो को शूट करके अपलोड किया। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना मेहनत किया होगा उस चीज़ को ये करने के लिए। सेम यही चीज़ कल मैंने चक्रधरपुर में किया, जिसका वीडियो आज मैंने अपलोड किया। मुझे भी बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो आप लोग अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, मेरे वीडियोस अच्छे लगे वीडियोस को लाइक भी कीजिए, दबा के शेयर भी मारिए। और अपने छोटे भाई आरएफ रजत पांडे के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आरएफ का मतलब आप समझ ही सकते हैं, रेल फैन, मतलब जो शुरू से बचपन से लेके अभी तक जिस हिसाब से मैं बड़ा हुआ ना, उस हिसाब से मेरे सामने डेवलप हुआ है रेलवे और रायपुर रेलवे स्टेशन भी। हालांकि मुझे कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट जल्दी मिल नहीं रहा है, मैं अपने दम पे सक्षम हूँ, मैं चला लूँगा, मुझे पता है कर लूँगा मैं, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे वीडियोज़ को पूरा देख के, मेरे वीडियोज़ को लाइक करके। अगर ये चीज़ आप कर लिए ना, तो फ्यूचर में मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे व्लॉगिंग कर सकता हूँ। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने हैं नए हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने 2 साल में कितना स्ट्रगल किया और क्या क्या सहा है। आज भी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पर मैं किसी को नहीं कहता, मैं अपना प्रॉब्लम मैं खुद सॉर्ट आउट करता हूँ। बट मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे सब्सक्राइबर लोग के साथ ये जो मेरी छोटी सी जो स्टोरी है वो शेयर कर दूं। तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्टोरी, ये मेरी जो वीडियो है, ये आपको अच्छी लगी हो। बहुत लोग हैं जो मेरे बारे में ऐसा हकीकत भी जानते हैं जो मैंने वीडियो में बताया है, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मेरी स्थिति अभी क्या है, 2 साल में मैंने कितना कुछ स्ट्रगल किया होगा। और इस वीडियो को पूरा सपोर्ट दीजिए, लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिए, मेरे चैनल आरएफ रजत पांडे को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहने के लिए। मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई अच्छे कंटेंट पे। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ आप सबसे। जय हिंद, और खुश रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए अपना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बॉस।